अस्सलाम वालेकुम डियर्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 तो जो करें बोर्ड पर मेरी फिंगर की तरफ देखेंगे और से चैप्टर नंबर 1 और एक्सरसाइज 1.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 3। तो आप अगर हमारे पास एज इट इज है एवैल्यूएशन ऑफ फंक्शन, तो जो गिवन दैट क्वेश्चन के अंदर जो स्टेटमेंट एक्सप्रेशन है इफ f(x) (+3x^3 + 2x^2 - x^1 + 4) हमें इसमें प्रूफ ऐड करना है, शो ऐड करना है, डिवाइड ऐड करना है, वेरीफाई ऐड करना है। उसमें करना क्या है हमें, +2f(+3) = +25f(+1। देखो डियर मैंने इसे अंडरलाइन कर दिया और लिख दिया है लेफ्ट हैंड साइड = right hand side। इसी तरह से फिर मैंने इन वैल्यूज को उठाकर दो सेक्शन बना दिया आपके सामने, देखने और से ये वैल्यूज मैंने उठाकर लेफ्ट हैंड साइड को सामने मैंने +2f(+3) लिख दिया है और साइन ऑफ इंटरोगेशन हमें यानी से बोला था कि हमें ये फाइंड आउट करना है। और फिर राइट साइड को उठाकर मैंने इस सेक्शन में लिख दिए, राइट हैंड साइड में मैंने लिख दिया +25f(+1) = sin of interrogation। इंटरोगेशन का मतलब है वी हैव टू फाइंड इट। नाउ लेट्स सी ऑन बोर्ड, इफ f ऑफ x इज इक्वल टू +3x^3 + 2x^2 - x^1 + 4। देखो डियर्स अब हमें करना क्या है, ये जो हमारे पास वेरिएबल है और देखेंगे जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं इनको मुझे रिप्लेस करना है। यहां मैं लिखता हूं रिप्लेस x by this one plus 3। तो देखो डियर्स ये जो वैल्यू है इसको आप देखो और से ये जो मैंने एरो दिखा रहा हूँ आपको इसके साथ मुझे रिप्लेस करना है इसको इसके साथ। तो जो करें डियर्स मुझे चेंज है, अब आप क्या करें देखेंगे और से f स्पेस इज इक्वल टू +3x^3 + 2x^1 + 4। ये मैं एक्सप्रेशन जो जो वेरिएबल था मेरे पास वो मैंने रिप्लेस करके स्पेस छोड़ दी है। अब मैं क्या करूंगा ये जो वैल्यू हमारे पास है ये तो जो करो डियर इस वैल्यू को ये जो वैल्यू नजर आ रही है आपको मैं यहां लिखूंगा +3 + 3। ये जो मैंने ये जो अंडरलाइन किया है वॉस देखें f(+3) हमें फाइंड आउट करना है। हम अब करना क्या है वॉस देखिए +3 एज इट इज, अब +3 की पावर क्यूब है, इस 3 को 3 बार तरफ दें तो आपके पास रिजल्ट आएगा +3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27। यहाँ पर +2 एज इट इज, 3 को 2 बार तरफ दें 3 × 3 + 9 माइनस 3 को 1 बार तरफ दें तो +3 + 4। अब डियर गौर करो तो इन दोनों का फंक्शन आपके पास सेम है, आप देखो और से इन दोनों का फंक्शन सेम है, ये फंक्शन जो है हमारे पास वेरी कर रहा है डिफर कर रहा है। तो जो कि और से जब फंक्शन डिफर होगा तो हम क्या करेंगे जो डिफर फंक्शन है वो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास माइनस है, ये ऑलरेडी कांस्टेंट है। मैं क्या करूंगा इस दोनों को मल्टी करा दें 27 को 3 = 81। तो जो करें इन दोनों को जरूरत दें तो 18। तो जो करें डियर्स ये फंक्शन जो है मेरे पास ये वाला जो डिफर कर रहा है तो जो करें इसको आप इनको जरूरत दें तो 3 एज इट इज और प्लस जो है आप और करें यहाँ पर 4 आ रहा है। अब जो फंक्शन सेम है और कीजिए ये जो फंक्शन वॉज है देखो डियर्स ये फंक्शन सेम है, इनको मैं एक तरफ कर देता हूँ +8 + 1 + 18 + 4। तो जो करें और जो फंक्शन मेरा वेरी कर रहा है वो माइनस एज इट इज लिख दिया है। तो जो करें अब इन तीनों के फंक्शन सेम होने की बुनियाद पर मैं फंक्शन को एज इट इज करता हूँ, ये 8 और 1 9 ये 99। तो जो करें 99 इन दोनों को मैंने एडअप कर दिए +4 - 3। अब दोनों फंक्शन फिर सेम है इन दोनों को मैं ऐड अप करता हूँ मेरे पास +1 0 3। तो जो करो डियर आप इन दोनों का जो फंक्शन है वो डिफर कर रहा है। तो जो करो डियर इन दोनों का फंक्शन डिफर कर रहा है तो जो करें इनमें जो बड़ा डिजिट है वो हमारे पास ये फंक्शन है। तो मैं इसकी रिस्पेक्ट में फंक्शन
यहाँ प्लस कर दूंगा 103 में से माइनस 3 सारे कर दूं, मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो कुछ इस तरह से है। ये किसका रिजल्ट आया है, f of प्लस 3। अब मुझे क्या करना है, 2 के साथ इसे मल्टी करना है, 2 के साथ 2 यानी प्लस 2, और ये वाला फंक्शन जो है मुझे ऐसे ही लिखना है, तो जो करें प्लस 3। तो इसके बाहर मैं क्या करूंगा, इसी 2 के मैं यहाँ पर लिखूंगा ताकि समझने में आसानी हो जाए, और f of 3 का रिजल्ट मेरे पास प्लस 100 है। इन दोनों को सेम फंक्शन की बुनियाद पर मैं क्या लिख दूंगा 200, और ये वैल्यू उठाकर मैं यहाँ से ये मेरे पास आंसर आया है लेफ्ट हैंड साइड का, ये वाला आंसर लेफ्ट हैंड साइड मैं यहाँ लिख दूंगा प्लस 200। तो जो कर दिए, और इक्वालिटी में दूसरा हिस्सा राइट हैंड साइड हल करने जा रहे हैं, लेट्स सी ऑन बोर्ड। तो ये एक्सप्रेशन मैंने दिए लिख दिए यहाँ पर, अब मुझे करना क्या है, तो जो ये जो मेरे पास वैल्यू आ रही है cos देखिए डियर्स, ये जो वेरिएबल है ये अंडरलाइन जो मैं कर रहा हूँ cos देखिए, इनको रिप्लेस करना है, तो मैं लिखता हूँ रिप्लेस f of स्पेस इज इक्वल टू प्लस 3 तो जो करें डियर्स स्पेस पावर क्यूब प्लस 2 स्पेस पावर 2 माइनस स्पेस पावर 1 प्लस 4। अब डियर ये जो वैल्यूज यहाँ पर हैं cos देखिए, ये मैंने फिल अप करनी है, तो इसको हमने प्लस 1 से रिप्लेस कर देना, प्लस 1 तो जो करें प्लस 1। अब मैंने डियर जी रिप्लेस कर दिए है, जैसे मैंने इधर रिप्लेस किए थे cos देखें, ये वाले वैल्यूज cos से देखें। अब मैं ब्रैकेट्स को ओपन करूंगा, आपने देखना है किस तरह से कि मैंने प्लस 3 ऐसे लिखा है, आगे प्लस 2 मैंने ऐसे लिख दिया है, आगे मैंने माइनस फंक्शन लगा दिया। अब यहाँ पर देखना है आपने क्या रिजल्ट आता है, यहाँ पर क्या रिजल्ट आ रहा है ये देखना है। यहाँ पर तो प्लस ए की पावर 3 है, ए को 3 बार आप मल्टी करें तो प्लस 1 ही आएगा, प्लस 1। यहाँ भी 2 बार मल्टी करें तो प्लस 1 ही आएगा, 1 बार मल्टी करें तो प्लस 1 ही आएगा। तो इन दोनों का फंक्शन सेम है, इधर भी देखें फंक्शन सेम है, इधर फंक्शन डिफर कर रहा है, यहाँ फंक्शन डिफर कर रहा है वहां पर मैं माइनस लगा दूंगा, तो जो करें अब बाकी जो फंक्शन सेम आ रहे हैं तो वो मैं फंक्शन एज इट इज प्लेस कर दूंगा वहां पर। ये मेरे पास तो जो करें डीएस प्लस 3 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 4। अब गौर करें तो आप देखेंगे ये जो फंक्शन है ये सेम है, तो मैं इनको सेम फंक्शन को कलेक्ट करता हूं प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4, और ये जो फंक्शन मेरे पास आ रहा है ये माइनस 1 है। अब करना क्या है, इन तीनों को सेम फंक्शन को आप एड अप कर दें, 3, 2, 5, 5, 4, 9 सेम फंक्शन और माइनस 1, इन दोनों को आप देखेंगे रिजल्ट, तुम्हारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो बड़ा बड़े फंक्शन के रिस्पेक्ट में आप देखेंगे और से डियर +9 और 9 में से माइनस 1 खारे कर दो +8 आ रहा है आपके पास। ये जो रिजल्ट आया हमारे पास ये f of +1 और हमें मालूम कर रहे हैं साथ उसके +25, हम क्या करेंगे यहाँ पर लिखते हैं +25 इधर भी लिख देंगे +25 और f of +1 है f of +1 इसको यहाँ लिख देंगे f of +1 का रिजल्ट हमारे पास आ रहा है +8। इन दोनों को आप मल्टी करें सेम फंक्शन की सूरत में, आप प्लस लिखें 25 को 8 से ज़रब दें तो आपके पास 200 आंसर आ रहा है। ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर भी आ गया है। अब इस राइट हैंड आंसर को हम यहाँ पर राइट हैंड साइड पर देखेंगे, आप देखिएगा दोनों के रिजल्ट्स हैं वो सेम है। नाउ इट इज प्रूव्ड।